हेलो गाइस, तो आज हम इस तरह की गन बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये कोई नॉर्मल गन नहीं है, इस गन के अंदर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये इसी बैटरी से चलती है एंड इसमें ट्रिगर की जगह पर एक पुश बटन का इस्तेमाल किया है। और इसकी जो आवाज़ है इस गन की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि इस गन को आप किस तरह से बना सकते हो। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो केवल मनोरंजन पर्पस के लिए है। इस गन का और इस टेक्निक का अगर आप मिसयूज़ करोगे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है, अब वो चाहे किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका केवल आप मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और इस गन के काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस गन की मेकिंग वीडियो। तो सिंपली इस गन को बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। एंड आप देख सकते हो कि हमने कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर बिल्कुल एक गन की डिज़ाइन के डायग्राम को बनाया हुआ है। तो सिंपली हम इस डायग्राम को काट कर बाहर निकालने वाले हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो इस गन के सभी डायग्राम को हमने वीडियो के अंत में दे दिया है, उसे आप देखकर आप काफ़ी इजीली बना सकते हो। तो गाइज, अब हम इस डायग्राम के अंदर एक मोबाइल बैटरी को फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि ये जो गन है वो बैटरी से चलेगी। जी हाँ, जो मोबाइल बैटरी होती है उससे ये गन ऑपरेट होगी। अब वो किस तरह से होगी ये आपको जब गन चलेगी तब बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम जो बैटरी का माप है उसके माप का एक होल कर लेते हैं, जिससे कि जो बैटरी है वो काफ़ी ईजिली इस गन के अंदर फिक्स हो जाए। एंड आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल एक बैटरी के माप का होल हो चुका है। एंड इस बैटरी के कनेक्शन को करने के लिए हमें एक बैटरी के जो कनेक्टर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक पुराने मोबाइल की एक प्लेट पड़ी हुई है, तो इसके अंदर से हम जो बैटरी के कनेक्टर होते हैं उनको निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपली इसे हम काट कर बाहर निकाल लेते हैं। इस कनेक्टर के जो मेन तार हैं, मतलब कि प्लस और माइनस, उन दोनों पर हमने वायरिंग कर दी है। एंड अब ये हमारा कनेक्टर बिल्कुल बैटरी से कनेक्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो सिंपली इस कनेक्टर को हम इस जगह पर फिक्स करने वाले हैं इस गन के अंदर। तो सिंपली इसके लिए मैं फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी हिले ना। तो आपको इसे अच्छे से चिपका देना है। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। एंड अब हम इस गन की जो साइड की किनारी हैं जो कि खाली खाली सी दिखाई दे रही हैं, तो इनके लिए हमने बहुत सारी छोटी छोटी कार्डबोर्ड के पीसेस को काटा हुआ है। तो सिंपली हम फेविक्विक की मदद से इन सभी को इस गन के चारों तरफ चिपका देते हैं, जिससे इसका लुक भी अच्छा हो जाएगा एंड जो ये खाली जगह है वो भी भर जाएगी। एंड डेकोरेशन के लिए हम इन दोनों को चिपकाने वाले हैं, जो कि ग्रिप के तौर पर काम करेगी, लेकिन बेसिकली इनका कोई मतलब नहीं है, ये केवल डेकोरेशन के लिए हम ये लगा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम करते हैं, इसमें लगाते हैं स्विच। तो इसके लिए हमने एक होममेड पुश स्विच बनाया हुआ है, इसे हमने खुद ही बनाया है, लेकिन उसकी मेकिंग वीडियो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हमने उस वीडियो को ऐड नहीं किया है। तो सिंपली इस पुश स्विच को हम यहाँ पर इस तरह से अच्छे से फिक्स कर देते हैं इस छोटी सी कार्डबोर्ड पीस पर। एंड इस कार्डबोर्ड पीस को हम इस गन के ऊपर लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम करने वाले हैं इसके कनेक्शन। तो कनेक्शन करना काफ़ी सिंपल है, बस बैटरी के जो दो प्लस माइनस वाले तार होते हैं उनमें से किसी एक तार पर आपको काट कर इन दोनों पुश स्विच के जो वायर हैं उन दोनों को लगा देना है, केवल एक तार पर लगा देना है एंड सिंपली कनेक्शन हो जाएंगे। तो काफ़ी ईजी है। एंड उसके बाद हम इस पुश स्विच को इस गन में अच्छे से फिक्स कर देते हैं। और ये हमारी गन लगभग आधी बन चुकी है, लेकिन अभी ये फुल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसका सबसे मेन और आप बोल सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना बाकी है, क्योंकि जो नली होती है वो गन की एक मेन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो चलिए अब उसे ही बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये आप देख सकते हो एक सिल्वर का पाइप है, तो हम इसी का ही
इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सिंपली पहले तो मैं इसके ये जो हाइट है इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे मार्किंग कर मैं इसे काट लेता हूँ इस गन के हिसाब से। एंड सिंपली अब हम इस सिल्वर पाइप के अंदर एक होल करने वाले हैं। तो बेसिकली ये होल केवल वायर को अंदर आने का एक जरिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि रास्ता होगा। तो इसे आपको बिल्कुल वायर जो है उसी के माप का करना है। और गाइस इस गन को बनाना आपको जितना सिंपल लगता है शायद उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अब हम इस गन का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट को बनाने वाले हैं। तो आपको अब वीडियो थोड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो वायर हैं उनके कनेक्शन करने वाले हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम इस पाइप को इस गन के ऊपर अच्छे से फिक्स कर देंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें इसके जो वायर हैं उनको इस पाइप के अंदर डालना पड़ेगा, तभी उससे अच्छे से कनेक्शन हो पाएंगे, सिंपल सी बात है। एंड अब हम इस पाइप को इस गन के ऊपर फिक्स करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आप देख सकते हो कि हमने ग्लू गन से के ग्लू से इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है, और ये बिल्कुल ही परफेक्ट फिक्स हो चुका है, और ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, और इसी की हमें ज़रूरत थी। तो चलिए अब हम इसके जो वायर के कनेक्शन हैं उनको करते हैं, और अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हमारे पास ये है नाइक्रोम वायर, और आप सभी जानते होंगे कि नाइक्रोम वायर सबसे ज़्यादा हीट सह सकता है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है, गर्म होने के बाद भी वो नहीं टूटता। नॉर्मल वायर अगर थोड़ा भी गर्म हो जाए तो वो टूट जाते हैं, लेकिन नाइक्रोम वायर के साथ ऐसा नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा हीट सह सकते हैं। तो इसी का ही हम यूज़ करने वाले हैं। ये आपको बेसिकली किसी भी हीटिंग एलिमेंट के अंदर मिल जाएगा, और हम फिलहाल तो एक प्रेस के एलिमेंट के अंदर से इसे निकाल रहे हैं। तो गाइस वायरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, एंड हमारी जो गन है वो बनकर रेडी हो चुकी है। फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हमारी गन बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको लगाना बाकी है। जैसे कि इसके ऊपर है ये वाला लगाना है, और ये इस तरफ से ये लगाना है, एंड आगे की तरफ इस तरह का एक ये हमने साइलेंसर सा बनाया हुआ है। बेसिकली ये आपके हाथ को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कि जो धमाका होगा उससे आपके हाथ की रक्षा करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये छोटा सा आप देख सकते हो साइलेंसर की तरह हमने बनाया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम इस गन का टेस्ट करते हैं, और देखते हैं कि ये गन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और इस गन को किस तरह से चलाया जाता है, और इसकी आवाज़ कैसी है।